हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं सब नाइक सीरीज की अगली कॉमिक्स सरफंदी का अगला भाग। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तृतीय अध्याय आरंभ, हरु नीति भाग एक। ऐसा घोर अनादर और अपमान हम उसे हमको छोड़ेंगे नहीं। रहने दे संभूक, इससे ना हो पाएगा। आप हमारा उपहास कर रहे हैं गुरुदेव, और बोलिए कि हम असुर राज हैं। यही तो रोना है। अपनी मूर्खता से तूने देवताओं और असुरों में सर्वसंधि करा दी, परंतु अब तेरी यह मूर्खता ही असुरों की विजय और देवताओं की पराजय का कारण बनेगी। मैं समझा नहीं गुरुदेव, अगर मिथ्याकार के वध की खबर सुन तू उन्मादी होकर युगम पर चढ़ाई करने ना निकल पड़ता तो तुझे मेरी बात समझ आती। अब तो पाओ मत गुरुदेव, बता भी दो। युगम पर कूच करने के उन्माद में तू यह भूल गया कि हरुओं का प्रतिनिधि असुर लोक आ रहा है। हमारे उसे भेंट करने का समय हो गया है। बस देवताओं की सृष्टि का सर्वनाशता है जब शुक्र नीति के साथ समाहित होगी हरु नीति। हरुओं को कोई कतई उम्मीद नहीं थी कि असुर हमारी और मैत्री का हाथ बढ़ाएंगे। अलग अलग सृष्टि निर्माता होने के कारण हम एक तरह से प्रतिद्वंदी हुए। हमने सदैव देवताओं के शत्रुओं को अपना परम मित्र माना है हरु गुरु, परंतु सवाल यह है कि यह मित्र आपको अभी क्यों स्मरण हुई। क्योंकि यही वह उपयुक्त समय है जब हम दोनों के चिर शत्रु देवताओं का और उनकी सृष्टि का अस्तित्व हम इस ब्रह्मांड से मिटा सकते हैं। देवताओं के प्रतिनिधि महानायक इस समय युगम द्वारा कराई जा रही सब नायक प्रतियोगिताओं में उलझे हुए हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि देवताओं की सृष्टि और सभी कालों व आयामों का मूल केंद्र पृथ्वी ही है, जो कि अभी स्वयं लोकों के कगार पर खड़ी है। पृथ्वी नष्ट मतलब देवता नष्ट। आपका प्रस्ताव तो अत्यंत लुभावना है, परंतु अक्सर लुहावने प्रस्तावों के पीछे कुछ मनसाएं छुपी होती हैं। जिस प्रकार आप देवताओं के गुरु हैं और सदैव देवताओं का हित चाहते हैं, उसी प्रकार मैं हरुओं का गुरु हूँ और उनके हित की रक्षा करना मेरा सर्वोपरि कर्तव्य है, निसंदेह। परंतु विश्वास रखिए, हम हरुओं के हितैषी हैं, विरोधी नहीं। हमें ज्ञात है कि किसी प्रकार संपूर्ण हरु सभ्यता सुदूर अंतरिक्ष की एक उल्का में शरण लिए हुए हैं। कैसी विडम्बना है जो हरु एक संपूर्ण सृष्टि का निर्माण करने का सामर्थ्य रखते हैं, उन्हें स्वयं एक उल्का में शरणार्थी बनना पड़ रहा है। हमें ज्ञात है कि किस प्रकार पूर्व में हरुओं ने देवताओं की सृष्टि पर आधिपत्य साबित करने की चेष्टा की थी और अग्नि से ब्रह्मांड अक्षो को द्वारा मुँह की खाई थी। दैत्य गुरु, आपने हमें यहाँ अपमानित करने के लिए बुलाया है? बिल्कुल नहीं। हम यहाँ मैत्रीपूर्ण वातावरण में दो श्रेष्ठ जातियों के मध्य संधि वार्ता पर चर्चा करने हेतु उपस्थित हैं। यह ब्रह्मांड इतना विस्तृत है जिस पर असुर जाति और हरु सभ्यता सामंजस्य ढंग से राज कर सकती है। निर्णय आपका होगा हरु गुरु कि आपको क्या चाहिए, एक उल्का में शरण या ब्रह्मांड का आधा आधिपत्य। क्या प्रस्ताव है आपका? वर्तमान समय काल में आप हरु असक्त और निर्बल हैं, हम असुर आपकी ओर संधि का हाथ बढ़ाते हैं। हम आपको बल, शस्त्र, सेना सब कुछ प्रदान करेंगे जिसके द्वारा आप अपनी हरु सेना को सशक्त कर सकते हैं। देवताओं की सृष्टि को नष्ट करने के लिए देवताओं और महानायकों को जो भेद चाहिए वो सिर्फ हम असुर ही आपको दे सकते हैं। सर्व संधि के कारण हम प्रत्यक्ष तौर पर देवताओं से युद्ध नहीं करेंगे, परंतु आप देवताओं और महानायकों का समूल नाश करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके बाद ब्रह्मांड के दो हिस्सों में बंटवारा करके असुर और हरु अपने अपने साम्राज्य बांट लेंगे। सोच विचार कर उत्तर दें हरु गुरु। हमें आपका प्रस्ताव स्वीकार है दैत्य गुरु। हरुओं से बड़ा कूटनीतिक इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है शुक्राचार्य। वर्तमान में हरु भले ही असक्त हैं, परंतु तुझे ज्ञात नहीं कि हरुओं का एक दल पृथ्वी के आरंभिक काल में पहुँच चुका है, जहाँ देवताओं के मानव सभ्यता के बसाने से पहले ही हम हरु सभ्यता बताएंगे, और वर्तमान में तुम मूर्ख असुरों की सहायता से हमें फिर सशक्त होंगे। मूर्ख हरु, एक बार तुम देवताओं को खत्म कर दो, फिर तुम भी हर असुरों के अधीन होगे। तृतीय अध्याय आरंभ, हरु नीति भाग दो। इन अंडा खोपड़ियों का घमंड से भरा सर फोड़ने के लिए महामानव को किसी चिपकली की मदद नहीं चाहिए। मैं अभी यहाँ कोई तेज रखवाली करने नहीं आया हूँ। यह धरती तेज था मेरा भी हरा और मुझे अपने घर में घुसपैठिए बर्दाश्त नहीं। काबू बढ़ू, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? जैसे तुम पहुँचे, हम दोनों चंडकाल सहित स्वर्ण नगरी में बंधक थे, जहाँ स्वर्ण नगरी वासियों ने बनाए यंत्र ने हमारे मस्तिष्क शून्य कर रखे थे। फिर अचानक वह भीषण विस्फोट हुआ। काबू बढ़ू, इन घटनाओं का पता मुझे भी तुम्हारे तरह बाद में ही चला, क्योंकि उस समय तो हमारा मस्तिष्क अवस्था में था। यह नहीं पता कि वह ज्ञात शख्स कौन था जिसने स्वर्ण नगरी में विस्फोट किया था, पर उनके सामने स्वर्ण नगरी के पहरेदार एक मिनट भी नहीं टिक सके।
उस अज्ञात शख्स ने ही वह ऊर्जा वाला आयाम द्वार खोला था जिसके पास सबसे पहले उसने चंडकाल को पहुंचाया। पर इससे पहले कि वह अज्ञात शख्स हमें भी उस द्वार के पार भेजता, वहाँ दो आकृतियाँ पहुँच गई जो कि शायद उस पहले अज्ञात शख्स के विरुद्ध थी। उनमें एक पहले वाले अज्ञात शख्स से भीषण भिड़ गया और यह बहुत ही भीषण टकराव था। उसके बाद क्या हुआ मुझे याद नहीं। मैंने खुद को सीधे यहाँ पाया और मेरे शरीर पर वह यंत्र भी नहीं था। ताजुब है, मुझे भी बस इतना ही याद है। ताजुब है, तुम दोनों इतने बड़े मूर्ख कैसे हो कि चलती लड़ाई में दुश्मन की ओर से बेफिक्र हो जाओ। फिक्र कर के भी यह तुच्छ प्राणी क्या कर लेते हैं, इनका अंत तो यही होना था। काऊम काड़ूम, देवताओं की बनाई सृष्टि के सृष्टम प्राणी भी हर रोग का मुकाबला नहीं कर सकते। अब धरती के आदिकाल से देवताओं का नहीं हर रोग सृष्टि का सृजन होगा। हर नीति तृतीय अध्याय समाप्त। चतुर्थ अध्याय आरंभ। लघु हाथियों का ग्रह। हम आज तक बड़े से बड़े खतरों से टकरा चुका है डोगा, पर इन पिंडियों जितना खतरनाक तो कोई भी नहीं हुआ। हम लेखन में छोटे लगे, घाव करी गंभीर, चाय चाय खर्च, इन पर तो आपकी उछल कूद वाली वानर युद्ध कला भी कार्य नहीं कर रही है। स्वानमुख ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हमने कीटकों की बाम्बी में कदम रख दिया हो। क्या लगता है ध्रुव, यह स्पर्धा किसके हक में जाएगी? कहना मुश्किल है रंगराज, यहाँ डोगा और योद्धा को एक दूसरे से स्पर्धा नहीं करनी है। लघु घातियों के दो दल इस स्पर्धा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, यह बात तो तय है, पर समझ नहीं आ रहा कि इस स्पर्धा का परिणाम कैसे निकलेगा। डोगा और योद्धा दोनों ही अत्यंत जीवट और दृढ़ निश्चय शक्ति के स्वामी हैं, वे किसी भी हाल में गिव अप नहीं करेंगे। लघु घातियों से मेरी मुठभेड़ पहले भी हो चुकी है, यह गजब के लड़ाके होते हैं, परंतु इनका अपना कोई अलग ग्रह भी है, इसका अंदेशा मुझे नहीं था। जानने के लिए पड़े वो काल के भूतग्रासित कॉमिक लोग आती युद्ध लड़ाकों का पर दादा है, वह कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ निकालेगा इन्हें परास्त करने का। यही तो मुश्किल है स्वराज, पर दया नहीं है कि भारतीयों को इन लघु खातियों को परास्त करना, बल्कि उन्हें स्वयं को लघु खातियों द्वारा परास्त होने से बचाना है। वैसे भी मुझे लगता नहीं कि इन लघु खातियों को युद्ध में परास्त किया जा सकता है, अन्यथा वो दोनों दल अब तक स्वयं ही अपनी युद्ध का निर्णय कर चुके होते हैं। यदि इन्हें स्पर्धा करने और स्पर्धा को जीतने का कोई कारगर मार्ग है तो वह डोगा और योद्धा को स्वयं ही तलाशना होगा। हम आप युद्ध घातियों को आदमी में चेतावनी दे रहे हैं, यदि आपने आक्रमण पर अंकुश न लगाया तो हमें आपका वध करने पर व्यस्त होना पड़ेगा। विवश, हा हा हा, कोशिश कर लें, जितना चाहे उतना हाथ पैर मार लें। असंभव, हम अपना संपूर्ण बल लगाकर भी कुचल नहीं पा रहे हैं। हमारे प्रहार के सम्मुख तो विशाल पर्वतराज भी कण कण होकर बिखर जाते हैं, परंतु ऐसा प्रतीत होता है जैसे इनके लघु शरीर वज्र से निर्मित हों। लघु घातियों को सिर्फ पुत्र कार्तिकेय का वरदान प्राप्त है कि वे कभी भी किसी युद्ध में लड़कर परास्त नहीं होंगे। यही कारण है कि वरुण घातियों और युद्ध घातियों के मध्य युगों से चल रहे युद्ध का भी कोई परिणाम नहीं निकल रहा। अब परिणाम एक ही सूरत में निकलेगा, या तो वर्ग घाती युद्ध घातियों के प्रतिनिधि को परास्त कर दें, या युद्ध घाती वर्ग घाती के प्रतिनिधि को। इन रगों में उबलता खून इतना पतला नहीं जो दर से बुला कर पराजित हो जाए। हम युद्ध और मैं दोनों में से कोई भी हार नहीं मानने वाला। इस युद्ध का परिणाम कैसे निकलेगा? नहीं, कोई ना कोई दूसरा विकल्प, कोई दूसरा तरीका जरूर ढूंढना होगा इस युद्ध का निर्णय करने का। दर्द बर्बाद करने से गुरेज नहीं हुए लोगों के चुने उनके खिलाफ क्या किया, दर्द का कतरा कहाँ ठहर पाएगा? पर इस युद्ध का अंजाम तक कैसे लाऊं? इसके अनुसार तो यह जब से अस्तित्व में आए हैं तब से युद्ध ही कर रहे हैं। आओ, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। लघु घाती जब से अस्तित्व में आए हैं इन्होंने युद्ध के सिवाय कुछ जाना ही नहीं, यानी उस कला से अनुभिज्ञ हैं जो बड़े से बड़े युद्ध का रूप मोड़ सकती है। क्या हुआ धरतीवासी, अपने वारों को आराम क्यों दे दिया? क्योंकि मैं यह व्यर्थ का युद्ध नहीं करूँगा। यानी तुमने पराजय स्वीकार कर ली? हरगिज नहीं, अपनी आखिरी सांस तक नहीं। तुम लोग अपने वार करने के स्वतंत्र हो, जितनी मर्जी कोशिश कर लो, पर डोगा के मुँह से ना तो आह निकलेगी और ना ही ना निकलेगी। बेचारा युद्ध खाती उनका दल नायक तो आत्महत्या करने पर आरामदा है, यही तो चाहता है तो यही सही। ये खुद हार नहीं मानेगा तो इसे इस अंजाम पर पहुँचाओ जहाँ ये अपने पैरों पर खड़ा ही ना रह सके। शाबाश, ये दर्द ही तो डोगा के अंदर जुनून पैदा करता है। लगाओ अपना पूरा जोर, कहीं कोई कमी ना रह जाए तुम्हारी बर्बरता में। डोगा वादा करता है अपने जुनून में कोई कमी नहीं रहने देगा। हम यह क्या कर रहे हैं स्वानमुख, राजा को स्वीकारनी है तो सीधे सीधे स्वीकार लीजिए, ऐसे कठोर मित्र को आमंत्रण क्यों दे रहे हैं? इस कमबख्त से जहाँ बात करना ठीक नहीं, जिंदगी से मन भर गया है मेरा, तुझे क्या? तो अपनी लड़ाई पर कॉन्सेंट्रेट कर,
कहीं घूम फूर उतरा इस बार भी मेरा आइडिया ना चुरा लें, जैसी आपकी इच्छा। परंतु हम बिना युद्ध के जब स्वीकार करने वालों में नहीं हैं। हम इन युद्ध घातियों के इनके वारों का मुख भेद प्रत्युत्तर देंगे। क्रैक रूम होगा प्राप्त इन्हें देव कार्तिक के जीव वरदान, परंतु हम युद्ध से पुत्र हैं, पराजय स्वीकार नहीं। शत्रु से हम आसान करना सीखा है हमने, देख देख अपने प्रतिद्वंदी को कुछ सीख उससे, या तो पराजय स्वीकार कर या फिर युद्ध कर, यूँ व्यर्थ ही क्यों पिट रहा है। कमाल है, तुम लोग अपना पूरा जीवन इस युद्ध में व्यर्थ कर रहे हो और मुझे शिक्षा दे रहे हो, क्या कहना चाहते हो? खुद ही सोचो, तुम्हारी पूरी जाति को ही देव कार्तिक ऐसे अजय वरदान प्राप्त है, फिर भला तुम लोग दो गुटों में बैठकर यह निरर्थक युद्ध युगों से क्यों लड़ रहे हैं? तुम सभी उन मूर्खों में से हो जो वरदान प्राप्त कर लेते हैं परंतु उसका महत्व नहीं समझते। बर्बर घाती और युद्ध घाती दोनों ही अजय जातियाँ युद्ध करने के बजाय यदि मिलजुल कर अपना समूल विकास करते तो आज तुम्हारा ग्रह उजाड़ युद्ध का मैदान नहीं बल्कि समृद्ध और विकसित ग्रह होता। परंतु फिर दोनों दलों में श्रेष्ठता कैसे सिद्ध होती? सामंजस्य से बड़ी श्रेष्ठता और कुछ नहीं होती। सिर्फ युद्ध करने, वार करने और सैन्य की कला ही किसी को श्रेष्ठ नहीं बनाती। श्रेष्ठ हुआ है जो न्याय उचित हो। अहिंसा से बड़ी कोई शक्ति नहीं। याद रखना, अहिंसा यह क्या होता है? वही जिसका पालन मैं कर रहा था। तुम्हारे निरर्थक निर्देश युद्ध का मैं हिस्सा नहीं बना, परंतु मैंने पराजय भी स्वीकार नहीं की। तुम मारते मारते थक जाओगे पर मैं मारते खाते खाते नहीं थकूंगा। यह पृथ्वीवासी ठीक कह रहा है, हम आखिर यह निरर्थक युद्ध क्यों लड़ रहे हैं? एक मूर्खतापूर्ण उद्देश्यहीन युद्ध नहीं चाहिए। परंतु लघु घातियों का तो जन्म ही युद्ध करने के लिए हुआ है। हम युद्ध नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? खुद को समृद्ध करो, उन्नत करो। इस ब्रह्मांड में ऐसे असंख्य जाति प्रजातियां हैं जो आत्मरक्षा में सक्षम नहीं है। उनके हितों के लिए, उनकी रक्षा के लिए लड़ो। अपने युद्ध को एक दिशा उद्देश्य दो। यह बैंगनी चमड़ी वाला सही कहता है, हमें अनिर्थक युद्ध छोड़कर सामंजस्य से रहना चाहिए। हम बर्ग घाती युद्ध समाप्ति की घोषणा करते हैं और हथियार डालते हैं। हम युद्ध घाती भी हथियार डालते हैं और अब से हम बर्बर घाती और युद्ध घाती नहीं सिर्फ लघु घाती होंगे। युगम धरित्री अस्त्र भारत बुद्ध दो गया रूप देखकर तो आज हम भी हैरान हैं। परंतु स्पर्धा के परिणाम का क्या होगा? परिणाम तो निकल चुका। यह स्पर्धा आपके गुरु श्रीमान स्वानुभव जीत चुके हैं। परिणाम निकल गया, परंतु कब कैसे? अपनी अवधि के युद्ध नियमों के कथन पर ध्यान दिया शिरोमणि, किंतु उसके कथन पर छुपे भेद पर नहीं। लघु घाती कार्तिकेय के वरदान के कारण कभी युद्ध में पराजित नहीं हो सकते हैं। आप और डोगा इनके दलनायक बने। अब आप में से जो भी दलनायक अपनी पराजय स्वीकार कर लेता उसका दल पराजित होता, परंतु पराजय तो हम दोनों में से किसी ने भी स्वीकार नहीं की थी। विषम और विपरीत परिस्थितियों को बदलने के बजाय उन्हें मन महसूस कर स्वीकार लेना ही सबसे बड़ी पराजय है। द्वितीय पुत्र, ये जानते हुए भी कि लघु घाती कभी पराजित नहीं होंगे, आप उस युद्ध का हिस्सा बन गए। आपने परिस्थितियों को बदलने की चेष्टा नहीं की। एक महानायक का कर्तव्य मात्र विजय प्राप्त करना ही होता है पुत्र। उसका कर्तव्य वस्त को सही मार्ग पर लाना भी होता है, और रात के रक्षक डोगा ने अपने इस कर्तव्य को भली भांति निभाया है। उन्होंने हिंसा का सहारा लेकर लघु घातियों को उनकी गलती का एहसास कराया, उन्हें सही मार्ग दिखाया। आप सत्य कह रहे हैं श्रीमान युगम, यह स्पर्धा और यह युद्ध जीतने के बाद हम पर यूं हावी हुआ कि हम अपनी सूझबूझ ही गवा बैठे। इस स्पर्धा में भी श्रीमान स्वानमुख हमारे गुरु सिद्ध हुए, हम आपको नमन करते हैं। जिंदा रहे पुत्र, चल भाई युगम, फटाफट अगली अगली स्पर्धा खड़का। चतुर्थ अध्याय समाप्त। पंचम अध्याय आरंभ। पाप क्षेत्र, हम लोरी, तुम यहाँ, बेबी, इर बेबी कहाँ है, ईरी और अनप्रीत कहाँ है? यहाँ कोई भी नहीं है। मैं जब यहाँ पहुँची तो सिर्फ तुम दोनों यहाँ आ सकता अवस्था में थे। तुम दोनों दूसरे तरफ से शराब और थे जो तुम्हारे शक्तियों को छीन कर रहा था। शुक्र है कि मैं अभिमंत्रित गंगा जल साथ ले आई। शुक्रिया लोरी, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। कुछ वर्षों पहले मैंने नागराज और लोरी ने मिलकर टैकला के आतंक को समाप्त किया था। वही टैकला पाप क्षेत्र से आयात हो चुका है लोरी, और इस बार वह अकेला नहीं है। उसके आसदम और बॉर्डेलो भी है जो कि इस पूरी धरती को ही पाप क्षेत्र बनाने की कुकूत रखते हैं। ओ यानी मेरा अंदेशा गलत नहीं था। सदम कोई साधारण पाप शक्ति नहीं है, वह सबसे बड़ा महापापी है। सदम को रोकना होगा तो हमें अधम को ढूंढना होगा। यह अधम कौन है? सदम की विपरीत शक्ति अधम, जो युगों से सदम को काबू में रखती चली आ रही है। सदम को अगर कोई परास्त कर सकता है तो केवल अधम। तुम कौन हो? मैं कबार गुंडा हूँ, एक तंत्रिका। फिलहाल मेरे बारे में जानने से ज़्यादा जरूरी सदम को रोकना है।
तो हमें अदम को जल्द से जल्द तलाशना होगा, क्योंकि यहाँ की वास्तुस्थिति देखकर लगता है कि डेकुलॉर्स अदम धरती को पाप क्षेत्र बनाने निकल चुके हैं। चिंतित ना हो, ब्रह्मांड रक्षक के रहते हुए सफल नहीं होंगे। हमें नागराज और अन से संपर्क साधना होगा। हे भगवान, यानी तुम्हें कुछ पता नहीं है? क्या पता नहीं मुझे? लोरियन थानी को सारा वृत्तांत सुनाती चली गई। ओह, यानी चौधरीहों की धरती पर गिरने और पाषाण राक्षसों के आगमन से ब्रह्मांड रक्षक विलीन हो गए। इन चौधरीहों के आगमन ने धरती पर से पूर्ण ऊर्जा का क्षरण किया होगा, जिस कारण एरे की कटा धूल में पड़ी और पाप क्षेत्र और धरती के बीच की सुरक्षा भंग हो गई। तुमने कभी बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में सुना है? क्या तहरी? एक साधारण छोटी सी घटना एक ही निश्चित समय पर कई बड़ी घटनाओं को जन्म देती है, और ये सभी घटनाएं एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। हमारे प्रभाव अत्यंत विध्वंसकारी सिद्ध होने वाला है। इसका मतलब एक ही समय पर कई ऐसी अलग अलग घटनाएं घटित हो रही हैं जिनका आपस में कोई संबंध नहीं, पर इनके परिणाम एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। सही समझे, अगर कोई विश्ववादी को गर्भगृह में पहुँचा दिया गया है तो अभी धरती की क्या स्थिति है? स्थिति बेहद गंभीर है। विस्तृत ब्रह्मांड रक्षक विश्ववादी के सिर्फ उस हिस्से को गर्भगृह तक पहुँचा पाए जो इच्छा से उनके साथ जाने को तैयार था। पहले से बहुत लोग थे जिन्हें मरना मंजूर था, पर गर्भगृह जाना नहीं। विस्तृत ब्रह्मांड रक्षकों के पास ऐसे लोगों को छोड़ देने के सिवाय कोई चारा नहीं था। कई आतंकवादी संगठन और आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोग भी विस्तृत ब्रह्मांड रक्षकों के साथ गर्भगृह जाने को तैयार नहीं थे। उनमें से कईयों ने तो विस्तृत ब्रह्मांड रक्षकों के खिलाफ ही जंग छेड़ दी, पर उनके अतिमानवीय शक्ति के सामने टिकना अपराधियों के बस के बाहर था। कई महाखलनायक ऐसे भी थे जिन्होंने विस्तृत ब्रह्मांड रक्षकों के राह में अड़ंगा लगाने की कोशिश की। विस्तृत ब्रह्मांड रक्षकों के सामने उन खलनायकों की शक्तियां नगण्य थी, इसलिए उनकी एक भी नहीं चली। पर फिर भी वे विस्तृत ब्रह्मांड रक्षकों से खुद को छिपा कर धरती पर छुपे रहने में सफल हो गए। यानी शुद्ध ग्रहों की धरती से टकराने से तक धरती पूरी तरह से निर्जन नहीं हुई थी। इसके वैज्ञानिकों का अनुमान था कि शुद्ध ग्रह धरती की ऊपरी सतह को पूरी तरह खाक कर देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। उन जलते हुए शुद्ध ग्रहों ने धरती के बाहरी तौर पर कोई खास क्षति नहीं पहुँचाई, और एडिंग नामक उस दानव से टकराने के बाद पाषाण राक्षस भी जड़वत हो गए हैं। फिर उस आबादी को धरती पर पुनः स्थापित क्यों नहीं किया जा रहा? क्योंकि वास्तविक समस्या वह नहीं जो नज़र आ रही है, बल्कि वह है जो नज़र नहीं आ रही। शुद्ध ग्रहों की धरती पर आने के बाद धरती पर पाप ऊर्जा सामान्य रूप से बढ़ रही है। साधारण मनुष्य अगर इस तरह पाप ऊर्जा के संपर्क में आएगा तो यह ऊर्जा उसे किसी सतह में बदल देगी, इसका अनुमान लगाना भी संभव नहीं। सही सही कसर पूरी करने के लिए अगला और सदम जैसी पाप शक्तियाँ आजाद हो चुकी हैं। अगर उससे पहले धरती को पाप क्षेत्र बनने से नहीं रोका गया तो सर्वनाश हो जाएगा। तुम दोनों को इसका सब कुछ कैसे पता? क्योंकि ब्रह्मांड रक्षकों और विस्तृत ब्रह्मांड रक्षकों के अलावा एक और दल था जो कि इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए था। पवन, यानी पारलौकिक विज्ञान नायगण पवन। चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले भाग में। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।